हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर चैनल एजुकेशनल सक्सेस मंत्र। और जो आज हमारी साइंस की क्लास है, इसमें जो टॉपिक है वो टॉपिक है अपना ब्लड प्रेशर। जी हाँ, जो हमारा लास्ट वीडियो था इसमें हमने ब्लड प्रेशर क्या है, सिस्टोलिक क्या होता है, डायस्टोलिक क्या होता है, ब्लड प्रेशर की रेंज, अगर हम रेंज की बात करें, जो रेंज हमने नॉर्मल देखी थी 120-80, जी हाँ, तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्लड प्रेशर में, लो ब्लड प्रेशर एंड हाई ब्लड प्रेशर। तो जो हम ब्लड प्रेशर डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम जो फर्स्ट इसका पार्ट ले रहे हैं, लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर, तो जो ब्लड प्रेशर जो है हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जो स्टूडेंट वो वीडियो नहीं देख पाए हैं तो इस वीडियो के राइट साइड में आपको आई बटन आइकन दिख रहा होगा, उस पर अगर आप क्लिक करते हैं या टच करते हैं तो जो लास्ट वीडियो है मेरी ब्लड प्रेशर पर, जिसमें हमने ब्लड प्रेशर स्टार्ट किया था, वो आप इजीली देख पाएंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। जो ब्लड प्रेशर है वो यहाँ पर इसको टू पार्ट में हमने डिवाइड किया है, मेनली लो ब्लड प्रेशर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस जो कर रहे हैं वो हमारा डिस्कशन है लो ब्लड प्रेशर। तो वास्तव में लो ब्लड प्रेशर क्या है, तो यहाँ पर अगर हम एक डेफिनेशन देखें, व्हेन द ब्लड प्रेशर इन आर्टरी एंड वेन, जो आर्टरीज हैं हमारी और जो वेन्स हैं वहाँ पर ब्लड का जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, लास्ट क्लास में हमने देखा था एक हार्ट जो है वो एक पंपिंग मशीन है, और ड्यूरिंग लाइफ टाइम वो वर्क करता रहता है और पंप करता है, सर्कुलेट करता है ब्लड को होल बॉडी में। तो जब हार्ट वर्क करता है या पंप करता है तो एक प्रेशर क्रिएट होता है, उसी प्रेशर को हम यहाँ पर जो है ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो ये ब्लड प्रेशर जो है लो कब हो जाता है, या लो ब्लड प्रेशर का मीनिंग क्या है, तो वो अगर हम यहाँ पर देखें तो लो ब्लड प्रेशर कब होगा, जब जो हमारी आर्टरीज एक तो आर्टरीज जो है और दूसरी जो क्या है वेन्स, जी हाँ, आर्टरी और वेन्स में क्या होगा, जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है उसका प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो जब ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा तो उस कंडीशन में, यानी नॉर्मल से कम, हमने रेंज देखी थी 120-80, तो ये नॉर्मल मिनिमम कितना होना चाहिए 80। तो ये जो नॉर्मल अगर हम देखें तो जो लो ब्लड प्रेशर में 80 से भी नीचे चला जाएगा, कम हो जाता है ब्लड का प्रेशर, क्या हो जाता है कम। इधर अगर देखेंगे तो मैक्सिमम वाला भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी ये जो रेंज है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाती है, इससे कम प्रेशर हो जाता है। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है 120, मिनिमम कितना हो सकता है 80। अगर ये रेंज कहीं डिस्टर्ब होती है और कम हो जाता है ब्लड प्रेशर तो उसको हम बोल देते हैं लो ब्लड प्रेशर। और ये कहाँ पर होगा, आर्टरीज एंड वेन्स में। तो ये है हमारा लो ब्लड प्रेशर। अब यहाँ पर देखें लो ब्लड प्रेशर जो है वो किस तरह से हमको इम्पैक्ट करता है, ऐसा क्या होगा लो ब्लड प्रेशर होने पर, या इसके जो है क्या इम्पैक्ट हमारी बॉडी पर हमें देखने को मिलेंगे। तो वास्तव में क्या होगा, ऑक्सीजन एंड फूड, ऑक्सीजन एंड फूड, जी हाँ, ये ऑक्सीजन एंड फूड की जो सप्लाई है, क्योंकि सर्कुलेशन का काम, ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन कर रहा था, ब्लड। प्रेशर लो हो गया तो फूड और ऑक्सीजन जो है वो हर ऑर्गन तक प्रॉपर नहीं पहुंच पाती। जी हाँ, मेन इम्पोर्टेंट बात है, ऑक्सीजन और जो फूड है, जो हमारे मेन ऑर्गन्स हैं,
हार्ट है, ब्रेन है, किडनी है, ये कुछ इंपॉर्टेंट और भी हैं। हम यहाँ पर हार्ट, ब्रेन और किडनी, यहाँ पर ऑक्सीजन और जो फूड है, न्यूट्रिशन है इनके लिए, वो प्रॉपर नहीं पहुँच पाएगा। अब जब इनके पास ऑक्सीजन, ये देखो हार्ट, ब्रेन और किडनी, ब्लड प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया। लो ब्लड प्रेशर होने पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, हार्ट के पास, ब्रेन के पास और किडनी के पास प्रॉपर फूड और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। जब फूड और ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वर्क करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो वर्क करना क्या कर देंगे, तो ये जो मेन ऑर्गन्स हैं ये जो है वर्क करना बंद कर देते हैं, स्टॉप वर्किंग। जी हाँ, स्टॉप वर्किंग। और इन्होंने अगर वर्क करना बंद किया तो सारा सिस्टम ही क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, डेथ हो जाती है पर्सन की। तो लो ब्लड प्रेशर, जब ब्लड प्रेशर आर्टरी और वेंस में क्या हो जाता है, लो हो जाता है, कम हो जाता है, वो कंडीशन है। और इसमें होगा क्या, ऑक्सीजन और फूड की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगी, प्रॉपर या प्रॉपर अमाउंट में जो मेन ऑर्गन्स हैं हमारे, हार्ट है, ब्रेन है और किडनी है, वहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा। तो ये इस तरह से हमको क्या करता है, इम्पैक्ट करता है, कौन सा, लो ब्लड प्रेशर। अब यहाँ पर अगर देखें कि जब ये स्टॉप वर्किंग स्टॉप हो गए या डैमेज हो जाएंगे तो डेथ हो जाती है पर्सन की। इसके बाद आता है हमारा हाई ब्लड प्रेशर, जो नेक्स्ट जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, लो ब्लड प्रेशर के बाद जो सेकेंड है। जी हाँ, हाई ब्लड प्रेशर, तो अब जैसा कि नाम से पता लग रहा है, हमें हिंट मिल रहा है, यहाँ पर जस्ट अपोजिट है। तो जो अपना हाई जो ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर में आर्ट डेफिनेशन वही है, रिवर्स कर दें, जो हमारी आर्टरी और वेंस थी वहाँ पर क्या होगा, प्रेशर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, एक्सेसिव प्रेशर। जो है प्रेशर क्या हो गया यहाँ पर, एक्सेसिव, एक्स्ट्रा प्रेशर यहाँ पर जो है कुछ हो जाता है। किसमें अगर हम बात करें, यहाँ पर जो आर्टरीज हैं, जो क्या है हमारे पास, आर्टरीज हैं। जी हाँ, दोबारा देखें, हाई ब्लड प्रेशर है यानी ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। वहां पर कम हुआ था, बढ़ा दीजिए, ज्यादा हो जाएगा। जब ब्लड का प्रेशर ज्यादा हो गया किसमें, आर्टरी में, तो फिर क्या होगा यहां पर, उसको हम बोल देते हैं हाई ब्लड प्रेशर। ये क्या बन गया हमारा, हाई ब्लड प्रेशर। तो दोनों ही कंडीशन क्या रहती है हमारे लिए, हार्मफुल रहती है। लो ब्लड प्रेशर भी हार्मफुल है और हाई ब्लड प्रेशर भी क्या रहता है यहां पर, हार्मफुल रहता है, नुकसानदायक रहता है। तो इसको प्रॉपर हमें चेक कराते रहना चाहिए, टाइम टाइम पर क्या करते रहना चाहिए, चेक कराते रहना चाहिए। इसी में अगर थोड़ा सा आगे चलते हैं यहाँ पर, तो इसका जो इम्पैक्ट है वास्तव में, ये रीजन यहाँ पर इम्पैक्ट हो जाएगा, रीजन क्या है यहाँ पर, तो एंगर, तो रीजन में देखें, रीजन पर अगर डिस्कस करें तो फर्स्ट एंगर, ठीक है ना, सेकंड है जेलसी, ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें कंफ्यूजन, कंफ्यूजन हो गई, और फिर देखते हैं हम यहां पर ईटिंग मोर फूड देन नीडेड, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ अगर देखें, ईटिंग मोर फूड, किससे, जितनी जरूरत थी, तो यहां पर अगर देखें ईटिंग मोर फूड देन नीडेड,
जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा खाना खा लेने पर। एंगर गुस्सा जब आता है ना, जल्दी कंफ्यूजन कंफ्यूज रहते हैं जो पर्सन, ठीक है। और ईटिंग मोर फूड देन नीड, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा हमने खा लिया, तो ये कुछ हैं उससे किसका शिकार हो सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। जरूरी नहीं हो जाए, लेकिन ये कुछ रीजन सामने आते हैं, ये रीजन है मेन रीजन। देखो गुस्से के समय काबू नहीं रहता, जब हमें गुस्सा आता है ना तो हम क्या कर रहे हैं, काबू नहीं रहता, तो उस समय ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो ये कुछ रीजंस हैं, एंगर, जलसी, कंफ्यूजन और ईटिंग मोर फूड, ज्यादा खाना खा लेना आवश्यकता से अधिक, ओवर ईटिंग, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस यहाँ पर निकल के आते हैं इसके लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए। इसके अलावा अगर हम देखें क्या कुछ कंजप्शन बढ़ जाता है या क्या खाने पीने का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये हम थोड़ा सा यहाँ पर और देख लें। इन रीजन के साथ साथ वो भी एक तरह से रीजन ही हो गए इसके, क्योंकि क्या जैसे वाइट शुगर, जो वाइट शुगर आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है, नंबर वन। सेकंड अगर हम देखें कि कंजप्शन अगर हम बढ़ जाता है हमारा, व्हाइट शुगर हो गया हमारे पास, स्पाइसेस जितने भी हैं, अगर मसालों का हम ज्यादा सेवन करते हैं, ठीक है ना, तो भी कहीं ना कहीं क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ऑयल, घी, तो ऑयल हो गया, फिर ये घी आ गया हमारे पास। इसके बाद अगर हम देखें स्वीट्स, मिठाइयों का अगर हम ज्यादा यूज करते हैं, मीट, टी है, ठीक है, जो नॉनवेज खाते हैं, मीट, ये कुछ अगर ये हम ज्यादा ले रहे हैं या इनका यूज कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है इसकी, ब्लड प्रेशर की इंक्रीज होने की। कब देखिए, वापस देखिए, व्हाइट शुगर है हमारे पास, स्पाइसेस हैं, ठीक है, जरा तला भुना है, अगर ऑयल, घी है, स्वीट्स है, टी, मीट है। इसके अलावा अगर देखें सिगरेट, जी हाँ, सिगरेट जो है सिगरेट के बाद अगर इसमें देखें हम यहां पर अल्कोहल, ये जो है अल्कोहल जो है, तो इसका अगर हम कंजप्शन ज्यादा करते हैं, ये लिस्ट बन गई हमारे पास अच्छी खासी, ये सब भी ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो दोबारा देखिए, हाई ब्लड प्रेशर एक कुछ रीजन तो हमने पहले देखे थे, अब ये भी देखो, व्हाइट शुगर है हमारे पास, स्पाइसेस वगैरह हैं, ठीक है, ऑयल, घी, स्वीट्स, टी, मीट, और लंबी लिस्ट हो सकती है, मेन मेन मैंने यहाँ पर लिखे हैं, सिगरेट है या एल्कोहल है। तो ये जब इसका कंजप्शन बढ़ेगा या ये हम यूज करेंगे तो वो भी एक रीजन रहता है इसके लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए। इसके बाद अगर हम देखें एब्सेंस ऑफ एक्सरसाइज, जी हां, एक्सरसाइज अगर नहीं कर रहे हैं किसी भी तरह की, जरूरी नहीं है जिम जाना, अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो ये एक मेन रीजन यहां पर ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर का। एब्सेंस ऑफ क्या, एक्सरसाइज, जी हाँ, ये भी एक रीजन निकल के आता है, यानी अगर जिनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो कुछ एक्सरसाइज नहीं करते रहना चाहिए। ये कुछ रीजन हमने देखे, बिल्कुल क्वेश्चन पुट हो जाता है, रीजन पूछे जाते हैं तो वहां पर हमें लिस्ट देनी होती है एग्जामिनर को, तो कहीं ना कहीं वो आप ये सभी नाम वहां पर दे सकते हैं, रीजन किसके लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा इसमें, के जो
पेशेंट हैं किसके, हाई ब्लड प्रेशर के, किसके पेशेंट, जी हाँ ऐसे पेशेंट जिनको हाई ब्लड प्रेशर है तो उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एक छोटी सी टेबल से हम समझ लेते हैं, बड़ा इजी हो जाएगा। टेबल अगर हम देखें यहां पर तो हाई ब्लड प्रेशर एंड लो ब्लड प्रेशर, तो शुड ईट ईट क्या खा सकते हैं, और दूसरी तरफ हम किसी देते हैं अवॉइड, जी हाँ, तो दोनों तरफ की लिस्ट अगर देखें तो शुड ईट क्या हमें खाना चाहिए, इसकी बात कर रहे हैं हम। हाई ब्लड प्रेशर जिनको होता है, तो जो हाई ब्लड प्रेशर वाले पर्सन हैं जिसमें पोटेशियम ज्यादा हो, ऐसा फूड पोटेशियम जिसमें क्या हो, अमाउंट पोटेशियम की, तो पोटेशियम कंटेनिंग, जी हाँ जिसमें पोटेशियम ज्यादा होता है वो फूड ज्यादा लेना चाहिए। तो नंबर वन, तो इसमें अब क्या लें, तो जो फ्रेश फ्रूट्स हैं ताजा फल, जी हाँ, तो इसमें अगर हम देखें यहाँ पर पोटेशियम कंटेनिंग जिसमें पोटेशियम ज्यादा हो वो चीजें ज्यादा लें, और उस कहाँ से मिलेगा अगर हम ये देखें तो फ्रेश फ्रूट्स, जी हाँ फ्रेश फ्रूट्स का जो है हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा यूज करना चाहिए। तो पोटेशियम कंटेनिंग क्या आ गया इसमें, फ्रेश फ्रूट्स, अवॉइड वाले में अगर हम देखें तो जो पैक्ड फूड है, ये हमें अवॉइड करनी चाहिए। वो पर्सन या वो पेशेंट जो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, तो क्या पोटेशियम ज्यादा हो वो फूड ज्यादा यूज करें, और अवॉइड किसे कर दें, पैक्ड फूड जो आता है पैकिंग वाला फूड उसको अवॉइड कर दें, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसमें देखते हैं यहां पर, फाइबर जिसमें ज्यादा हो, ठीक है, मोर फाइबर, तो यहां पर जो है फाइबर कंटेन, मोर फाइबर, ऐसा फूड जिसमें फाइबर ज्यादा हो, फाइबर क्या हो, ज्यादा रेशे, ज्यादा खाद्य रेशे, कंपोनेंट है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड में आता है, ठीक है, तो उसमें सेलेड वगैरह है, दलिया वगैरह है, इस तरह के आइटम्स जो है ज्यादा, जिसमें क्या हो फाइबर ज्यादा होते हैं वो फूड ज्यादा लेने चाहिए। उधर अवॉइड में अगर हम देखें, मीट एंड वेजिटेबल घी, जी हाँ मीट एंड वेजिटेबल घी, ऑयल भी हो सकता है, ठीक है, तो इसको क्या करें, रिड्यूस, मीट एंड वेजिटेबल ये, और इसमें अगर हम ऐड करना चाहें स्मोकिंग, स्मोकिंग तीसरा क्या है, तो मीट एंड वेजिटेबल ये को क्या करें, रिड्यूस करें, कम करें, स्मोकिंग नहीं करनी है, बिल्कुल अवॉइड करनी है यहां पर, जी हाँ स्मोकिंग को क्या करें, अवॉइड कर दें। तो इसको अगर हम यहां पर देखें स्मोकिंग को थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, किसको, स्मोकिंग और अल्कोहल ड्रिंकिंग, अल्कोहल स्मोकिंग हो गया, और एक और अगर यहां पर लें तो ड्रिंकिंग अल्कोहल, तो ये चीजें हमें क्या करनी है।
हमने यहाँ पर अवॉइड करनी है। इस चीज इनको जो है ये जो लिस्ट है इनको हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ये एक क्वेश्चन बन जाता है कि क्या करें जिसको हाई ब्लड प्रेशर है, तो ये देखो ये आंसर है कि अवॉइड कर दें इन चीज़ों, इसको क्या करते हो अवॉइड कर दें। क्या ले सकते हैं हम, तो यहाँ पर जो है हमारे पास लिस्ट बन जाती है। इसके बाद हम इसमें अगर हम देखें कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कहीं ना कहीं इस बीमारी में जिसमें हेल्पफुल रहती हैं या हाई ब्लड प्रेशर में हेल्पफुल रहती हैं। एक्सरसाइज रेगुलरली, एक्सरसाइज करते रहें नंबर वन, यानी कि हमें रेगुलर करनी है। वॉकिंग फॉर 30 मिनट, यानी 30 मिनट जो है हमें क्या है डेली जो है वॉकिंग। जी हाँ, वॉकिंग अगर हम कर लेते हैं 30 मिनट की डेली, तो वो एक बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। एक्सरसाइज कर रहे हैं हल्की फुल्की, वॉकिंग की जा सकती है यहाँ पर, योगा, योगा है इसके, मेडिटेशन, योगा हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है यहाँ पर, प्राणायाम, जी हाँ प्राणायाम। तो ये कुछ चीजें हैं, रेगुलर एक्सरसाइज, 30 मिनट्स की वॉकिंग, योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम, ये सब चीजें जो है अगर हम डेली करते हैं, डेली, जी हाँ डेली अगर हम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम हाई ब्लड प्रेशर को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर और फिर हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, तो इस तरह से ये ब्लड प्रेशर पर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।